Hi everyone, this is me Nida Gulkhan and you're watching my YouTube channel. Okay guys, so video शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा channel subscribe नहीं किया तो जल्दी से subscribe करें and hit the bell icon ताकि आने वाली तमाम notification आपको मिलती रहें. सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये video बिल्कुल भी sponsor नहीं है, ये मेरा अपना review है, ये मैंने use किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छे रिजल्ट मिले हैं, दैट्स व्हाई मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ. ओके गाइस, सो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है क्योंकि आपने मेरी हजामा वीडियो पे बहुत सारा प्यार दिया एंड बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए एंड मुझे काफ़ी इंस्टाग्राम पे डीएम्स मिल रहे थे और डीएम्स में मैं सबको पर्सनली आंसर नहीं कर सकती. सो मैंने सोचा कि मैं एक ही वीडियो बनाऊँ जो आप सबके लिए हेल्पफुल हो. So, आज जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है एक बहुत ही बेहतरीन लोशन जो कि एक्नी के लिए है. सो आपके फेस पे जितनी भी फंगस, एक्नी, स्कार्स एंड जितने भी वाइट हेड्स जाते हैं उसके लिए ये बेस्ट लोशन है. और वो आपके फेस पे जो छोटे छोटे टाइनी बम्प्स होते हैं ना, टाइनी पिंपल्स होते हैं, उनके लिए है. ओके, सो ये है डेलिसिन टी क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट लोशन. ठीक है, ये फाइजर कंपनी का है. मैं आपको नज़दीक से भी करके दिखा दूं. जी, ये मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था और मैंने इसे 20 डेज यूज़ किया है एंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट हैं. बिकॉज मेरी एक्नी जो जड़ों तक फैल गई थी, मेरे स्किन के अंदर मतलब एक छोटे छोटे मतलब टाइनी पिंपल्स हो गए थे, आई थिंक वो वाइट हेड्स थे जो बाहर नहीं आ रहे थे. ओके, सो ये लगाना किस तरह से है मैं वीडियो में आगे जाके आपको बताऊंगी प्रॉपरली. ये जब आप दिन में दो दफा लगाएंगे तो आपकी जितनी भी एक्नी होगी जो स्किन के अंदर है वो बाहर आएगी पस की तरह बनके, वो मतलब छोटे छोटे एक पस वाले दाने बनके निकलेंगे. लेकिन आपने उसे पॉप नहीं करना. ठीक है, आपने उसे पॉप नहीं करना. एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि आपने उसे ऐसे हाथ से साफ नहीं करना, आपने उसे रुई से साफ करना है. ठीक है, और उसके बाद आपने फेस नीम गर्म पानी से वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद ही आप इसे अगेन अप्लाई करेंगे. ठीक है, आपने दिन में इसे दो दफा अप्लाई करना है. ये क्या करता है डेलिसिन टी लोशन, ये करता है कि आप जो आपके दाने बाहर नहीं आ रहे और फेस पे आपको बहुत ज़्यादा स्वाइलिंग हो रही है और वो पिंपल्स दुख रहे हैं तो ये लगाने से वो सारे पिंपल्स जो हैं वो बाहर आ जाएंगे. ये लोशन आपके पिंपल्स ठीक करता है, पिंपल्स से होने वाले आपके फेस पे जख्म ठीक करता है. बिकॉज कुछ लोग ऐसे होते हैं, इवन मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मेरे जब पिंपल्स पॉप आउट हो जाते थे तो उसमें से हल्की सी ब्लीडिंग होने लग जाती थी और वो जख्म बन जाता था. तो मैं फेस वॉश करने के बाद ही ये अप्लाई कर लेती थी. अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक्नी स्कार्स उस तरह से नहीं पड़े जिस तरह से लोगों के फेस पे गड्ढे पड़ जाते हैं. ठीक है, तो ये आपने किस तरह से लगाना है. सबसे पहले आपने सुबह उठना है, नीम गरम पानी से आपने फेस वॉश करना है. नीम गरम नहीं है तो कोई बात नहीं, बट किसी भी अच्छे एक्नी फेस वॉश से या एक्नी सोप से आपने प्रॉपरली अपना फेस वॉश करना है. जब आपको लगे आपका फेस प्रॉपरली वॉश हो गया है, ठीक है, आपने इसके 5-6 ड्रॉप्स, जैसे 3 यहाँ हो गए, वो आपकी एक्नी पे डिपेंड करता है. अगर आपकी एक्नी बहुत ज़्यादा है, जैसे मेरी आई थिंक एक्टिव एक्नी बहुत ज़्यादा हो गई थी तो मुझे 5-6 ड्रॉप्स लगते थे, है आपने यहाँ 1-2-3 करके ड्रॉप डालना है और फिंगर से आपने उसे अप्लाई कर देना है. आप कॉटन बर्ड से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी एक्नी ज़्यादा है तो फिर आप जो है या तो इसे कॉटन में डिप करें और लगा दें या अपने फिंगर से अप्लाई कर लें. लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपके फिंगर्स और हैंड्स प्रॉपरली साफ हों, वरना आपकी एक्नी बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. ओके, सो जितने भी टीन एजर हैं, स्पेशली मैं टीन एजर्स से कहूँगी और मैं उन तमाम पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने बच्चों की स्किन का बहुत ख्याल रखें उनकी टीन एज से ही. और ये लोशन मैंने अपनी कज़न जो कि टीन एजर है उसे भी रिकमेंड किया था और उसने भी अपने फेस पर अप्लाई किया है, उसे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा था इस लोशन से. हो सकता है आपको इससे प्रॉपरली फ़र्क ना पड़े क्योंकि कुछ लोगों की कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस होती हैं कुछ मेडिसिन से, तो उसके लिए सबसे पहले आप जाएं और अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से चेक करवाएं. बिकॉज ये आगे बढ़ के बहुत ही बुरी एक्नी हो जाती है. और ओके, सब मैं इसे खोल के आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से है. आप ये देखें, ये प्रॉपरली ये बिल्कुल एक लोशन फॉर्म में है. यहाँ मैंने 2-3 ड्रॉप डाले हैं. ठीक है, ये मैं नीचे रखूँगी.
और आप ये देखें, शायद आपको नजर आ रहा हो, आपने इसे नॉर्मली इस तरह से अप्लाई करना है, इस तरह से अप्लाई करके दैट्स इट, ये बिल्कुल नजर नहीं आता। और ये है कि कुछ एक्ने जेल आपको इचिंग करते हैं, आपको जलन करते हैं, ये आपको बिल्कुल भी जलन नहीं करता, ये आपको बिल्कुल भी इचिंग नहीं करता। एंड सबसे अच्छी इसकी बात, इसे लगाने के जस्ट 3 डेज बाद आपको इसका रिजल्ट मिलने लगेगा। हो सकता है कि आपको फर्स्ट एप्लीकेशन से ही इसका फर्क महसूस होने लगे, क्योंकि मुझे तो फर्स्ट एप्लीकेशन से ही इसका रिजल्ट महसूस होने लगा था। अब अच्छा, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको एक बात बताती जाऊं कि मैंने अपनी एक्नी जेल, एक्नी क्रीम या एक्नी लोशन से सिर्फ ठीक नहीं की, मैंने डॉक्टर से प्रॉपरली अपना चेकअप करवाया। आप किसी भी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं और अपना चेकअप करवाएं। डॉक्टर ने मुझे एक्यूटीन ट्रीटमेंट पे रखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक्यूटीन के बारे में वीडियो बनाऊं, या अगर आप जानना चाहते हैं कि एक्यूटीन ट्रीटमेंट या एक्यूटीन क्या होता है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो बना सकूं। क्योंकि ये एक बहुत आई थिंक हैवी डोज होती हैं, और ये एक मींस जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता एक्नी ट्रीटमेंट का, तो आपको डॉक्टर एक्यूटीन ट्रीटमेंट पे शिफ्ट कर देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं, या आपकी एक्नी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है और आप कंफ्यूज हैं एक्यूटीन के बारे में, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय,